सो हेलो गाइज, वेलकम टू डॉक्टर गैजेट। और ये रहा हमारा दोस्तों प्रिंटर, ये दोस्तों यूएसबी केबल है इसके अंदर, जिससे आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रिंट ले सकते हैं। सारे टेप्स आपको निकालने होंगे, जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। टाउट यहाँ पे निकलेगा और आपको इतना एक्सटेंड करना है ताकि आपका पेपर गिरे ना। ये फीडर है आपका, यानी कि पेपर जहाँ से जाता है वो जगह है, तो आप इधर से भी टेप निकाल लें। ये ब्लू वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो पेपर के हिसाब से साइज एडजस्ट करने का है। प्रिंट करने के लिए पावर केबल और यूएसबी केबल लगाएंगे तो ये रेडी हो जाएगा। उससे पहले हमको करना होगा इंक का फिलिंग। ये टैंक है, इसको देखते हैं, ये ओपन यहाँ से हो जाएगा बहुत ही ईजीली तरीके से। पास से दिखाते हैं आपको। दोस्तों नए टैंक प्रिंटर के साथ ये इम्प्रूवमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये बॉडी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, नहीं तो बाकी समय ये टैंक अलग से लटकते रहता था, उसको मूव करते समय संभालना पड़ता था और बहुत ही ईजीली वो डैमेज हो सकता था। तो ये यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे टैंक, आप इसको ईजिली पकड़ के यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो ये आपका टैंक आ गया, लॉक मतलब यहाँ लॉक हो रहा है, यहाँ से पकड़ के आपको ओपन करना है, बहुत ही आसान है। और अब यहाँ पे आप सारे प्रिंटर में ये ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि पर्टिकुलर कलर में ही पर्टिकुलर जो निशान बना हुआ है, जो कलर के हिसाब से मार्क्ड है या लेबल्ड है, वहीं पे कलर डालें, ये ध्यान रखें। मतलब जहाँ पे येलो लिखा है वहीं पे येलो डालना है आपको। तो हम पहले डाल के देखते हैं सियान कलर को, ब्लू वाले को। और देखिए वैक्यूम से अच्छे से पैक्ड है, इस तरीके से पैक होना चाहिए वैक्यूम से। जब भी आप इंक लेते हैं, जब आप इसको कट करेंगे तो वैक्यूम इसका हट जाएगा और ये ओपन हो जाएगा इजीली। इंक के बॉटल के साथ भी बहुत अच्छा है जो है पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट किया है एप्सन ने। पहले जो है वो ये ड्रॉपर की तरह होता था इसका टिप, और जो इंक का टैंक है वो एक बॉटल की तरह होता था, आपको ड्रॉपर की मदद से ऐसे बॉटल की तरह ऐसे आपको डालना पड़ता था। अभी थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेटेड या फिर बोला जाए इजी करने के लिए इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ पे रबर का जो टिप दिया हुआ है, तो आपको करना ये है कि आपको पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टैंक के ऊपर जाके इसको सिर्फ उल्टा करके प्रेस कर देना है, क्योंकि वहाँ पर आप जैसा आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर का, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो है एक वॉल्व जैसा मैकेनिज्म दिया हुआ है जो यहाँ पे जाके पियर्स कर देगा और वो पूरा इंक जो है वो उसमें चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ मैंने इसको उल्टा करके यहाँ पे रखा और सारा प्रिंट मतलब सारा जो इंक है वो अंदर चला गया है। बहुत ही इजी तरीका बना दिया एप्सन ने इंक डालने का, नहीं तो पुराने जो इंक है वो डालने में बहुत ही दिक्कत होती थी और स्पिल होने का चांस होता था। इसमें ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रह गया, अभी थोड़ा सा इंक रह ही जाता है दोस्तों, इसमें हल्का सा इंक बचता है, तो आप उसका टेंशन ना लें। अगला हम कलर डालते हैं मजेंटा डालते हैं हम, तो मजेंटा M लिखा होगा और कलर भी आप देख के डाल सकते हैं। देखिए इसमें जो सॉकेट बना हुआ है ये सिम के जैसा है, जैसे आप इसको गलत नहीं लगा सकते, कैसे भी गलती से भी गलत नहीं लगेगा, ये जो सॉकेट बना हुआ है उसी के शेप का है। तो आप देखिए यहाँ पे बस आपको कलर ध्यान रखना है कहाँ पे है, आप इसको ऐसे करके बस पुट कर देंगे तो ये सारा एम्प्टी हो जाएगा, आप यहाँ देखिए। दोस्तों आप जब भी बॉटल को एम्प्टी करने के बाद उसका ये कैप लगा दें, वरना ये बहुत ही डार्क होता है, ये आपको कपड़े या फिर घर में किसी भी चीज़ में लग सकता है, तो कैप लगा के इसको फेंकें या फिर प्रॉपर तरीके से रखें। और जैसा जैसा होते जा रहे हैं हम इसके कैप बंद करते जाते हैं। तो ये दोस्तों इसमें भी देखिए थोड़ा सा इंक रह गया है, इसको हम बाद में कोशिश करेंगे डालने की। ये भी हो गया दोस्तों, ये इंक का बॉटल ऐसा है कि उल्टा करने पे भी नहीं गिरता है, ये इसकी खासियत है। देखिए जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और टैंक में डालेंगे तभी ये जाएगा, ये बहुत अच्छी टेक्निक बनाई है एप्सन ने। ये हो गया, अब इसका काम ख़त्म, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं।
इंक का जो वॉल सिस्टम है वो काफ़ी सही है। इसको देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इसमें इधर से जाते हैं तभी ये जाएगा, वरना इसमें रबर के जो वॉल बने हुए हैं वो ही इंक को गिरने से मदद करते हैं। दोस्तों आपको थोड़े इनके बटन्स के बारे में बता देता हूँ। ये पावर बटन है, ये ब्लैक एंड वाइट कॉपी बटन है या स्कैन बटन है बोल सकते हैं, ये कलर कॉपी या स्कैन बटन है, और ये जो है वो इंक को बॉटल से प्रिंटर के हेड तक आने की मदद करता है, यानी कि इंक को खींचता है हेड में तो फीड होता है इंक, और अगर प्रॉपर कलर नहीं आ रहा तो इस बटन को दबा के रखें तो प्रॉपर इंक जो है वो आने लगेगा। साथ ही ये स्टॉप बटन भी है, अगर किसी कभी प्रिंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा या स्किप हो जाएगा। तो ये सारे बटन्स हैं इसके अंदर, बाकी इसमें कोई भी बटन नहीं है इसके अलावा। तो अब हम इसको चलिए देखते हैं, प्रिंट लेके देखते हैं इसके अंदर। सो दोस्तों ये है डॉक्यूमेंटेशन जिसको मैंने उस समय नहीं दिखाया था आपको, अभी दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा वारंटी कार्ड, आपको वारंटी के लिए रजिस्टर करना होगा वेबसाइट पे एप्सन के, और साथ ही 1 साल या 30,000 प्रिंट का वारंटी है। ये आपका जो है स्टार्टर, आपको स्टार्ट कैसा करना है, इंस्टॉल कैसा करना है, उसके बारे में इस लीफलेट में जानकारी है। तो इसमें ये बोला गया है कि फर्स्ट जो बॉटल है इंक का वो ज़्यादा इंक यूज़ करेगा, क्योंकि शुरू में जो है हेड वो है एकदम खाली रहता है, तो वो इंक ज़्यादा वहाँ पे प्रिंट हेड को चार्ज करेगा, प्रिंट हेड को यानी कि भरेगा उसको। तो पहला बॉटल से आपका दूसरा बॉटल ज़्यादा चलेगा, तो दूसरे बॉटल में क्योंकि चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी हेड को। ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है। दोस्तों जो बॉटल में बचे हुए इंक है उसके लिए ये लिखा हुआ है कि आपका बॉटल जो है वो वहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, उससे इंक जाना टैंक के अंदर। जब टैंक फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बॉटल से इंक जाएगा नहीं आपके टैंक में, तो आप उतने इंक को बाद में यूज़ कर सकते हैं, जब थोड़ा सा इंक टैंक से कम हो जाए तब वो ऑटोमेटिकली उसमें एम्प्टी हो जाएगा। तो बचा के रखें बॉटल भी अपने, ताकि फ्यूचर में वो इंक वेस्ट ना हो और काम आए। साथ ही इसमें आपको ये सारी क्विक गाइड दी हुई है जो आजकल कोई नहीं पढ़ता है यूट्यूब के आने के बाद खास तौर पे, और एक स्टिकर सा दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इसमें एक स्टिकर दिया हुआ है, इसका क्या काम है पता नहीं, देखना होगा। क्लीनिंग शीट, अगर पेपर अच्छे से अंदर नहीं जाता है, क्लीनिंग शीट पेपर पाथ को जो है वो क्लीन करने के काम आता है ये पेपर, इसको फेंकें ना, जब भी पेपर फीड ना हो अच्छे से तब ये काम आएगा, तो आप इसको बचा के रखें फ्यूचर में, और इसलिए जब पेपर जैम हो तो इसका कैसे यूज़ करना है मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा बताने के लिए, तो इसको भी सेव करके आप रखें बॉक्स के साथ। चलिए अब हम प्रिंटर को उस दूसरे टेबल पे ले जाके प्रिंट करके कुछ देखते हैं कैसा क्वालिटी आता है। तो दोस्तों प्रिंटर को हमने कनेक्ट कर लिया USB के थ्रू, लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद पावर से भी कनेक्ट कर लिया। अब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन कर दिए, पावर बटन को प्रेस करना होगा तो ये ग्रीन चलने लगेगा, कुछ इंक एब्जॉर्ब करेगा टैंक से, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा इसको। तो प्रिंटर हेड को चार्ज करने के लिए जनरली ये वाला बटन काम आता है, तो हम प्रेस करके देखते हैं इसको, ये ऑटोमेटिकली ही चार्ज हो रहा है, उसके लिए हमको वेट करना होगा। फर्स्ट प्रिंट आप तुरंत नहीं निकाल सकते, आपको प्रिंटर हेड चार्ज होने के बाद ही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लिंक हो रही है रेड कलर की, तो अब आप इसको दबा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कोई आवाज़ ना आने लगे। अब ये हेड चार्ज हो रहा है, बिना चार्ज किए आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, और तब तक के हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल हो जा रहा है CD की मदद से। थोड़ा देर आपको वेट करना होगा चार्ज कंप्लीट होने के लिए, जब तक साइलेंट ना हो जाए मशीन आपको वेट करना, और ये लाइट ब्लिंक होना भी बंद हो जाएगा तब तक। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट ऐसा है, तब तक हमको वेट करना होगा प्रिंटर हेड का चार्ज होने के लिए। वो सॉफ्टवेयर में ये भी बताएगा कि आपका जो इंक सिस्टम है वो इंस्टॉल हो रहा है,
इनिशियलाइज़ हो रहा है उसके लिए वेट करना होगा और प्रिंटर को ऑफ़ नहीं करना है और घबराना भी नहीं है कि ये ख़राब हो गया। ऐसा साउंड इसके लिए नॉर्मल है स्टार्टिंग में जब ये पहली बार यूज़ होता है तो ऐसा साउंड आना नॉर्मल है। दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद आपको टेस्ट प्रिंट टेस्ट पेज का ऑप्शन आएगा तो आप एक पेपर अटैच करके रखें पहले से, तो अगर आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से प्रिंटिंग शुरू हो रही है। दोस्तों अभी आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जो इंक हमारे बच गए हैं थोड़े थोड़े बॉटल में इंस्टॉल करने के बाद, उसको अब आप पहली बार जब हेड प्रिंटर हेड जो है चार्ज हो जाते हैं तो काफ़ी सारा इंक जो है ये टैंक से यूज़ हो जाता है। तो अब आप इन जो बचे हुए इंक को डालेंगे तो आराम से वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें इतना बचा हुआ है, तो ये वेस्ट ना करें कभी भी। चार्ज होने के बाद इसमें जगह बचती है उसमें डालना है आपको। खच खोलवा, ये देखिए दोस्तों अब ये पूरी तरह से खाली हो गया है, बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है। तो दोस्तों पहली बार इंक भरने के बाद जो बचता है उसको फेंके ना आप, प्रिंटर हेड चार्ज या पूरा इंस्टॉल होने के बाद प्रिंटर के उसको डाल सकते हैं, तब प्रिंटर में काफ़ी टैंक में काफ़ी जगह बचती है। तो इसी तरह से हम बाकी कलर्स भी डाल देते हैं। ये देखिए इतना वेस्ट करने का कोई भी बेवकूफ़ी है ये, इतना आप वेस्ट नहीं करिए। जब आपके प्रिंटर हेड चार्ज हो जाते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं आसानी से। देखिए दोस्तों ये भी आपका पूरा यूज़ हो गया है। तो इसी तरह से सारे जो बचे हुए इंक हैं उसको यूज़ कर लें और कुछ भी वेस्ट ना करें। दोस्तों अब इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये कलर प्रिंट निकाल के देखते हैं। मेरी एक फ़ोटो है लेटेस्ट, उसको निकाल के देखते हैं फोटोग्राफ को नॉर्मल A4 साइज़ के पेपर में कैसे प्रिंट करता है। लगभग 10 से 20 मिनट के बीच आपका चार्जिंग कंप्लीट होगा हेड का और आपका ग्रीन लाइट जलेगा और ये रेड लाइट ऑफ हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि आपका जो प्रिंटर है रेडी टू प्रिंट है। ये थोड़ा कम हल्ला करता है, तो दोस्तों ये है प्रिंट जो निकला है। थोड़ा सा भीगा इस रहेगा क्योंकि ये टैंक प्रिंटर है, शुरू में थोड़ा ड्राई होने दें। ये इसकी क्वालिटी है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए आपको क्लोज लुक भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे दोस्तों ग्राफिक्स से बहुत ही क्लीन आया है वो। और ये मेरे ही वीडियो का थंबनेल है जो कि DSLR से खींचा गया है, जो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रही है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि ये पेपर जो है बहुत ही नॉर्मल सा पेपर है, आप देख सकते हैं इधर भीग भी गया है ये, तो नॉर्मल पेपर में प्रिंट तो नहीं करना चाहिए फ़ोटो को, इंक भी ज़्यादा लगता है और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आ सकती है, क्योंकि ग्लॉसी पेपर या फ़ोटो पेपर पे ही बेस्ट क्वालिटी आती है। ये आपको दिखाने के लिए हमने नॉर्मल पेपर पे प्रिंट किया हुआ है। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि फ़ोटो कैसा प्रिंट होता है इस प्रिंटर में, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसकी क्वालिटी नॉर्मल पेपर में। अभी हमने बेस्ट क्वालिटी में नॉर्मल पेपर में फ़ोटो प्रिंट किया था, इसलिए थोड़ा समय इसमें लगा। अगर आप ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं तो स्लो होता है प्रिंट, क्योंकि ये लेज़र प्रिंटर नहीं है। फास्ट चाहिए तो आपको लेज़र प्रिंटर लेना होगा और थोड़ा महंगा आएगा, वो इकोनॉमिकल भी नहीं होगा उतना। और अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है जिसमें थोड़े से ग्राफिक्स हैं तो काफ़ी फास्ट प्रिंट हो जाता है। मैंने बेस्ट क्वालिटी ली थी, 4-5 टाइप की क्वालिटी इसमें ऑप्शन था मेरे प्रिंटर में, तो मैंने बेस्ट क्वालिटी ली थी। हम मीडियम क्वालिटी अगर लें डॉक्यूमेंट्स के लिए तो काफ़ी जल्दी प्रिंट होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप जज कर पाएँ कि आपके लिए है या नहीं है। तो कम ग्राफिक्स के साथ मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखते हैं इसकी क्या स्पीड से प्रिंटिंग होती है। तो ये काफ़ी फास्ट तरीके से प्रिंट हो जाएगा जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिनिमल ग्राफिक्स के साथ ये पेज है जिसमें टेक्स्ट ज़्यादा है, ये बहुत ही फास्टली आपको प्रिंट करके दे देता है। तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और काफ़ी अच्छा इसका स्पीड है टैंक प्रिंटर के हिसाब से,
मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप अगर घर के लिए या शॉप के लिए लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्वालिटी भी आपको ये नॉर्मल क्वालिटी में आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो ये दोस्तों जो दूसरे पेपर की क्वालिटी है आप देख सकते हैं, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। पास से भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा, तो दोस्तों ये रहा वीडियो अनबॉक्स एप्सन के 3110 के अनबॉक्सिंग के बारे में। और प्रिंट तो आप देख ही चुके हैं। तो अगर आपको ये प्रिंटर लेना है तो दोस्तों आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रिंटर है ये, कलर ब्लैक एंड वाइट एंड टेक्स्ट या ग्राफिक्स सारे चीज़ों के लिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियोज़ फ्यूचर में भी देख पाएँ। तो थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। Yeah, yeah.